हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने ले आया हूँ एक टॉपिक जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। और जैसा कि आप लोगों को पता है, कई सारे बच्चों को फैक्टराइजेशन प्रोसेस सॉल्व ना कर सकने की बीमारी होती है। आज हम उस बीमारी का ठीक तरह से इलाज करेंगे, ओके। और फैक्टराइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो राइट फ्रॉम 8th एंड 9th स्टैंडर्ड टू द एंड ऑफ इंजीनियर आपको हर जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में काम आता है, ओके। तो फैक्टराइजेशन क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं। तो फैक्टराइजेशन इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग फैक्टर्स और जीरोस ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब ये देख के आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि ये सिर्फ एक ही चीज पे एम्फोसाइज करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट मींस अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो आप उसके फैक्टर्स और जीरोस फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्क्वेयरिंग द थर्ड टर्म भी एक मेथड है, बट वो प्रेजेंट टाइम में एब्सोल्यूट हो चुकी है, इसलिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन is a x square plus b x plus c। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कैसे पता चला कि हमारा जो लीडिंग टर्म है a x square, उसकी वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2। दैट मींस किसी भी वेरिएबल की अगर मैक्सिमम डिग्री 2 आए तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और उसके जीरोस या फैक्टर्स निकालने के लिए हम फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करते हैं, ओके। पहले थोड़ा प्रोसेस का इंट्रोडक्शन दे दूं, उसके बाद आप सम्स तो खुद सॉल्व कर लोगे। चलो देखते हैं कैसे। मैंने अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा जो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ओके। आपको पता है ए बी एंड सी, दिस ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स। और वो क्या है, आपके इक्वेशन के लिए कोएफिशिएंट्स हैं, ओके। ये समझ लेना क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी भी फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब आपके पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की प्रोसेस है, तो आप क्या करते हो, ए एक्स स्क्वायर दैट मींस योर फर्स्ट टर्म एंड सी दैट मींस योर लास्ट टर्म, उसे उनकी साइन के साथ लिख देते हो। ए एक्स स्क्वायर के पास क्या है, प्लस है, एंड सी के पास भी क्या है, प्लस है। आपको क्या करना है, मिडिल टर्म बी एक्स को दो टर्म्स में स्प्लिट करना है, ए दो, और इन दोनों टर्म को साथ में लिखने के लिए हमें बीच में एक साइन भी देनी पड़ेगी, ओके। किसी भी इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, देखो क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को मिक्स करके ये टर्म बनाना है। हमने इसे बी एक्स को स्प्लिट किया है, तो स्प्लिट करेंगे तो बीच में ऑब्वियसली एक साइन तो देनी ही पड़ेगी, ओके। तो आप बिंदास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बीच में ऐसी तीन ब्लैंक्स बना सकते हैं, ओके। अब ये ब्लैंक्स फिल अप कैसे होंगी, ये ब्लैंक फिल अप करना सीख गए तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीख गए। कैसे, चलिए देखते हैं। इस ब्लैंक को फिल अप करने के लिए सबसे पहले हम ये साइन वाली ब्लैंक फिल अप करते हैं। अब ये साइन वाली ब्लैंक फिल अप कहां से होती है, तो ये जो बाकी दोनों साइंस हैं ये दोनों हेल्प करती हैं ये साइन वाली ब्लैंक फिल अप। कैसे, यहाँ पे जो लास्ट साइन है, ओके, वो डिसाइड करती है, और ये जो फर्स्ट वाली साइन है वो जनरेट करती है, ओके। अब ये डिसाइड क्या करेगी, ये डिसाइड करेगी कि प्लस आया तो सेम साइन होगी और माइनस आया तो ओपोजिट साइन होगी, ओके।
पूरा लिख लो, ओके। दैट मींस क्या, अगर यहां पे लास्ट साइन आपकी प्लस है, प्लस क्या डिनोट करता है, सेम। बट ये सेम किस चीज की, तो जनरेटिंग टर्म। यहां पे जनरेटिंग टर्म क्या है आपका, प्लस है, तो यहां पे प्लस क्या बता रहा है, जनरेटिंग टर्म की। ये ब्लैंक्स बनाने के बाद अब इन ब्लैंक्स को फिर कैसे करते हैं, लास्ट साइन देखो, लास्ट साइन क्या करती है, डिसाइड करती है। सी अगेन आई एम रिपीटिंग, लास्ट साइन डिसाइड करती है क्या कि सेम साइन आएगी या ऑपोजिट साइन आएगी। बट सेम या ऑपोजिट किस चीज की, तो जनरेटिंग टर्म। जनरेटिंग साइन यहां पे प्लस है, तो प्लस क्या कहता है, सेम साइन आएगी प्लस की, तो यहां पे मैंने प्लस पुट कर दिया। इसको और थोड़ी कंडीशंस देखें, तो ax2 माइनस प्लस c ax square plus minus c ax square minus minus, ये चार conditions generally होती है, इनसे बाहर नहीं पूछा जाता या होती भी नहीं। चलो देखते हैं इन्हें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लास्ट साइन क्या है, प्लस। प्लस क्या कहता है, सेम साइन है किसकी, आगे वाली साइन की, आगे वाली साइन क्या है, माइनस। माइनस वाली सेम साइन यहाँ पुट कर दूं। अब यहाँ पे थर्ड में माइनस है, माइनस क्या कहता है, ऑपोजिट साइन है किसकी, आगे वाले साइन की, आगे वाला साइन क्या है, प्लस। प्लस का ऑपोजिट क्या होता है, माइनस। यहाँ पे अगेन माइनस पुट हो जाएगा। अब लास्ट कंडीशन देखिए, लास्ट में क्या है, माइनस, तो क्या कहता है, ऑपोजिट साइन आएगी इसकी, आगे वाले टर्म की, आगे वाला टर्म क्या है, माइनस। तो माइनस का ऑपोजिट क्या होता है, प्लस, बीच में आ जाएगा प्लस। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर हमारे ओल्ड स्कूल मेथड जो क्या है, प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब इस तरह से भी हमारी बीच वाली साइन वाली ब्लैंक को भर सकते हो। सबसे पहले आपको ये साइन वाली जगह को, खाली जगह को, ब्लैंक को फिल करना है, ओके। उसके बाद ये दोनों नंबर्स कैसे निकलेंगे, ये दोनों नंबर्स हमारी ट्रेडिशनल मेथड से निकलते हैं। कौन से ट्रेडिशनल मेथड, हम x स्क्वायर का कोएफिशिएंट व्हिच इज a और लास्ट कांस्टेंट कोएफिशिएंट दैट इज c, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मींस a टू c करते हैं। लेट्स अज्यूम इसका एक आंसर आता है k, ओके। अब हम क्या करेंगे, k के मल्टीपल्स निकालेंगे, दैट मींस k कौन से टेबल्स में आता है, मल्टीपल्स निकालो। और मल्टीपल्स निकालने के बाद आपको क्या करना है, मल्टीपल्स हमेशा दो फॉर्म में निकलेंगे, सपोज a टू b, c टू d, ऐसे मल्टीपल्स होते हैं, या फैक्टर्स बोल लो आप इसे। फिर आपको क्या करना है, ऐसी फैक्टर्स की जोड़ी पकड़नी है जो यहाँ पे फिट हो सके। और कौन सी फैक्टर्स की जोड़ी यहाँ पे फिट होगी वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आप पहली दो साइंस को देखो, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है, दैट मींस आपको ऐड करके ये टर्म बनना चाहिए जो क्या है, बी एक्स है। तो कोई भी ऐसा टर्म, कोई भी ऐसा मल्टीपल या कोई भी ऐसा फैक्टर जो प्लस होकर ये सेंटर वाला टर्म बी एक्स बने, वैसे मल्टीपल को हम यहाँ पे यूज करें। इसके लिए मैं एग्जांपल्स करके दिखा रहा हूँ, पहले से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना लो, ओके। तो हम अब इन चार एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे जिसमें सारी वैरायटी और सारी डिफरेंट साइंस आ जाती है, ओके। तो फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करें, फर्स्ट टर्म में सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले टर्म को उसकी साइन के साथ x square minus और लास्ट टर्म को minus a, ऐसे कैसा रख देना है, दो नंबर्स आएंगे बीच में एक साइन आएगी। देखो आप इस ब्रैकेट्स को बना सकते हो, इसे बनाने में कोई बुराई नहीं, ओके। अब लास्ट में नेगेटिव साइन है, आगे पॉजिटिव साइन है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट्स कैसे चूज करने हैं, लास्ट का आपका नंबर कोएफिशिएंट है a और फर्स्ट x square के आगे कुछ नहीं है, दैट मींस 1 होगा, तो आप फैक्टर्स की जगह 1 into 8 करो तो आपका आंसर 8 आता है। और 8 के आप मल्टीपल्स निकालो तो 1 into 8, 2 into 4, ये दो मल्टीपल्स होते हैं आपके 1 into 8 and 2 into 4। अब इन दोनों में से आपको यूज कौन सा करना है, तो आप यहाँ देखो माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस करके आपको बनाना क्या है, 2x बनाना है, माइनस करके 2x बनाना है, 8 माइनस 1 करोगे या 1 माइनस 8 करोगे, 7 ही आंसर आएगा। 2 माइनस 4 करोगे तो माइनस 2 आएगा, 4 माइनस 2 2 आएगा, दैट मींस आपका ये सेकंड मल्टीपल आप जब यूज करते हो तब आंसर 2 आता है, ओके। बट आप देखो आंसर कैसा है, नेगेटिव है। अब जब नेगेटिव आंसर आ रहा हो तो दोनों में से जो बड़ी टर्म होगी उसे हम माइनस वाली साइन के पास कर देंगे,
तो ये फैक्टर यूज करना है, आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो हम बड़ी वाली टर्म को जो हमारी 4 है उसे नेगेटिव टर्म के पास रखेंगे, माइनस के पास रखेंगे, यहां पे 4x आ जाएगा, यहां पे 2x आ जाएगा। देखो फैक्टर्स चूज कर लिया, पर किस फैक्टर को कहां पे रखना है वो भी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे लिखोगे, नेगेटिव आ रहा है तो बड़े नंबर को माइनस साइन दो, तब -4x + 2x -2x होगा, तब ये दोनों मिलाकर ये टर्म बनेंगे, पता चला। बस फिर ब्रैकेट बना दो x2 - 4x, इसे एक ब्रैकेट बना दो, बीच में प्लस, 2x -8 इसे एक ब्रैकेट बना दो, फिर इन दोनों में से कॉमन निकालो, x कॉमन निकलेगा, x -4 बचेगा, इन दोनों में से कॉमन निकालो तो 2 कॉमन निकलेगा, x -4 बचेगा, 2 4 जाए तो 4 बच गया, ओके। तो फिर देखो आप ये दोनों टर्म्स आपके सेम हो गए, अब ये दोनों टर्म्स सेम है दैट मींस आपका फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म एकदम ठीक से हुआ है। तो दो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा x plus 2 और दूसरा हो जाएगा x minus 4, दो फैक्टर्स निकल गए सिंपल। अब ये नेक्स्ट टर्म है इसका, चलो आप मुझे बताओगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4x square minus एक टर्म एक साइन दूसरा टर्म प्लस 1, बीच में साइन कौन सी आएगी, तो माइनस प्लस माइनस, या तो माइनस वाली साइन आएगी, फिर लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 4 into 1 हो जाएगा 4, और 4 के फैक्टर्स 4 into 1 2 into 2, ये दो फैक्टर्स हैं, ओके। और कोई फैक्टर बन रहा है इसका, नहीं बन रहा पक्का, ओके। तो अब साइंस देख लो, माइनस माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस करके आपको क्या बनाना है, 4, तो 4 plus 1 तो 5 हो जाता है, but 2 plus 2 वो 4 होता है, तो हम इन फैक्टर्स को यूज कर सकेंगे। साइन कैसी है, नेगेटिव है, तो दोनों नंबर्स सेम है इसलिए किसी को भी कहीं भी प्लेस कर सकते हो, यहाँ पे भी 2x, यहाँ पे भी 2x, फिर ब्रैकेट बनाओ 4x square minus 2x। अब क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे बीच में जो हमने साइन चूज की है वो माइनस है, यहाँ पे जो ब्रैकेट बनेगा उसकी साइन चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हम ब्रैकेट बना रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे से मैं अगर 2x कॉमन निकालू तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x माइनस 1 बचेगा, ओके, क्योंकि 4x स्क्वायर है, 2 2 जा 4, 2 कॉमन बाहर निकाल लिया था, अंदर 2 बचा x स्क्वायर, तो 1x बाहर निकाल लिया, तो x बचा, 2x पूरा बाहर निकाल लिया था, अंदर 1 बचा, यहाँ पे माइनस 1 लिख दूँ, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है इसलिए, तो यहाँ पे भी 2x माइनस 1 बचेगा, ओके। तो दो फैक्टर्स मेरे क्या हो गए, एक हो गया 2x माइनस 1, दूसरा भी हो गया 2x माइनस 1, पता चला दो फैक्टर्स मिल गए, बिल्कुल इजी था, सॉल्व हो गया, ओके। अब थोड़ा डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि इसमें रूट आ गया है, इसे डिफिकल्ट नहीं समझो, रूट आ रहा हो दैट मींस तब भी वो सिंपल ही रहेगा, डिफिकल्ट नहीं होगा, चलो देखते हैं कैसे। पहले मैं लिख लूं सेम प्रोसेस, x स्क्वायर प्लस एक नंबर एक साइन दूसरा नंबर माइनस 6, पहले साइन की साइड करनी है, प्लस माइनस माइनस होगा, ओके। अब ये दोनों ब्रैकेट्स फिल कर दें, इससे यहां देखो नंबर 6, यहां कुछ नहीं है 1, तो 6 into 1 is 6, 6 के फैक्टर्स निकालो तो 1 into 6, 2 into 3, ये दो फैक्टर्स होंगे, ओके। बट देखो यहां पे हमारा क्या यूज हुआ है, रूट 2 यूज हुआ है, ओके। तो रूट किस चीज का है, 2 का है, तो मैं इस 2 को रूट 2 into रूट 2 बना सकता हूं, क्योंकि रूट 2 into रूट 2 2 होता है, तो अल्टीमेटली मैं अपने 6 को यहाँ पे क्या था 2 into 3, और 2 की जगह मैं ये दोनों रूट्स प्लेस कर दूं, दैट मींस रूट 2 into रूट 2 into 3 बता सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ओके। तो इसके बाद अगर मैं फैक्टर चूज करूं इन दोनों, कैसे, देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस करके हमें क्या बनाना है, 2 बनाना है, तो इन दोनों का एक टर्म हो गया, ओके। अगर इन दोनों को फैक्टर चूज करूं तो 3 रूट 2 माइनस 1 रूट 2, 3 रूट 2 माइनस 1 रूट 2 वो 2 रूट 2 हो जाता है, ओके। और एल्स आप इसे एक नंबर मान लो 1, और 3 माइनस 1 वो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, पता चला, आप ऐसे सिंपली कर सकते हो। तो फैक्टर्स क्या है, 3 रूट 2 माइनस रूट 2, तो यहाँ पे आप x स्क्वायर प्लस, आंसर प्लस में है तो बड़ा वाला नंबर, ये बड़ा वाला नंबर है, इसे प्लस के पास रखोगे, 3 रूट 2 माइनस रूट 2 माइनस 6, ब्रैकेट बना रहे हो तो यहाँ माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगी और ब्रैकेट बन जाएगा,
यहाँ पे x देना है, सॉरी भूल गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3√2x, यहाँ पे √2x, ओके। इनमें से कॉमन टर्म क्या निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, वेरी गुड। यहाँ बचा x प्लस 3√2, और इन दोनों में से अगर मैं रूट टू कॉमन निकालूंगा, अब देखो 6 कैसे बना है, इन तीनों के मिक्सचर से बना है, इसमें से अगर मैंने रूट टू निकाल दिया तो क्या बचेगा, 3√2 बचेगा, तो यहाँ से रूट टू निकल गया तो x बचा, यहाँ से रूट टू, सिक्स में से रूट टू को निकाल दूं तो 3√2 बचता है। देखो अगेन हमारे ये फैक्टर सेम हो गए, दैट मींस हमने स्प्लिटिंग एकदम ठीक तरह से की, और हमारे दो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा x माइनस रूट टू एंड सेकेंड x प्लस 3√2, पता चला। तो ये लास्ट सम है, इसे तो पक्का आपको ही सॉल्व करना है, चलो जल्दी से करो। पहले x स्क्वायर प्लस एक नंबर एक साइन दूसरा नंबर खत्म, प्लस प्लस प्लस, वेरी गुड। अब क्या करोगे, ये नंबर को लो, ये नंबर को लो, 1 into 1 वो हो जाएगा 1, 1 के फैक्टर्स यही है 1 into 1, और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ देखो प्लस 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 होता है, इसे प्लस करोगे तो 2 बनता है, डेफिनेटली 1 प्लस 1 2 बनेगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1x, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1x, और फिर ब्रैकेट बनाओ x स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1, इन दोनों का ब्रैकेट, इन दोनों का ब्रैकेट, इसमें से x को कॉमन निकालो, अंदर x प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकालो, x प्लस 1 बचेगा, दोनों सेम हो गए, स्प्लिटिंग आपने सही की है। तो एक फैक्टर ये होगा x प्लस 1, और दूसरा फैक्टर ये होगा x प्लस 1, तो ये आपको इसके भी फैक्टर्स मिल गए, पता चला। तो इस तरह हमारी फैक्टराइजेशन प्रोसेस बिल्कुल इजी हो जाती है, आप जितने सम्स प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी कैलकुलेशंस फास्ट होती जाएगी। बट बेसिक्स जो मैंने पहले दिखाया साइंस का और नंबर्स का, ये तीन ब्लैंक्स लाइन में ही फिल करनी है, पहले साइन फिल करनी है, फिर ये दोनों नंबर्स फिल करनी है, ओके क्लियर। इसके अलावा कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, मेरा फोन नंबर भी दिया है, आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू।